दोस्तों, अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो यह नीम खली उसके लिए संजीवनी का काम करेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि निमोली से शक्तिशाली फर्टिलाइजर कैसे तैयार करें। निमोली दोस्तों नीम के बीजों को कहते हैं। आप घर में आराम से नीम की खली तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक खाद है, क्योंकि इसको आपने अपने घर में तैयार किया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी नीम के बीजों को कलेक्ट किया हुआ है। इनको मैंने कहीं से परचेज नहीं किया है। अभी पीछे बारिश के सीज़न में मैंने इनको कलेक्ट किया था। उस सीज़न में काफ़ी बीज ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं, उनको मैंने बिना छिलके के सुखा दिया था। सुखाने से ये बीज कई दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। दोस्तों, पुराने समय में नीम का काफ़ी प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल लोग इसको भूलते जा रहे हैं, जबकि ये 100% ऑर्गेनिक है, कीटनाशक है। ये पौधों को कई बीमारियों से भी बचाता है। दोस्तों, नीम का बीज आप घर के आसपास जो नीम के पेड़ होते हैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या आप इसको नर्सरी से भी खरीद सकते हैं, या आप किसी दुकान से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग आप दो प्रकार से करते हैं। आप इसका लिक्विड खाद बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसको ड्राई भी आप पौधों में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं ड्राई नीम खली के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बीज मैंने कम से कम 3 महीने पहले कलेक्ट किए थे, तो इनको मिक्सी में अच्छे से पीस लें। अब दोस्तों, निबोली से मैंने खली तैयार कर दी है। इसको आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक पिस गया है। नीम की खली के साथ आप नीम की पत्तियां भी मिला सकते हैं। नीम की पत्तियों को भी अच्छे से सुखा लें और उनको भी पीस लें। पीसने के बाद दोनों को बराबर मात्रा में आपस में मिला लें, तो वो भी बहुत अच्छी खली का काम करेगा, बहुत अच्छे पौधे में खाद का काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका प्रयोग पौधे में कैसे करना है। आप कई तरीके से इसको पौधे में मिला सकते हैं। जब शुरू में आप पॉट तैयार करते हैं तो उसमें भी आप 1 चम्मच मिला सकते हैं, और इसका लिक्विड खाद भी आप बना के इसका यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप मिट्टी में इसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो ड्राई खली है, तो मैं इसको डायरेक्ट मिट्टी में यूज करूँगा। मिट्टी में यूज करने से पहले आपने गमले की गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने से पहले आपने इसमें पानी नहीं देना है, पहले इसकी गुड़ाई करनी है। और उसके बाद आपने, अगर आपके पास 12 इंच का गमला है तो आपने 1 चम्मच मिलाना है, और 6 इंच के गमले में 1/2 चम्मच मिलाना है। मेरे पास गमले थोड़ा बड़े हैं, तो मैं इनमें 1-1 चम्मच डालूँगा। दोस्तों, इस नीम की खली का एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें, ये 100% रिजल्ट देगा। अगर आपके पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, इस खाद से उसमें फल फूल भी आएंगे, और ये पौधे को सुरक्षा भी देगा, कई बीमारियों से भी बचाएगा। तो एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल करें आप। इसका इस्तेमाल आप सावधानी से करें, इसको सिर्फ मिट्टी में ही मिलाना है, ये पौधे पर नहीं गिरना चाहिए, और उसके बाद इसमें आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही रहता है कि आप स्वस्थ रहें और पर्यावरण स्वच्छ रहे। दोस्तों, इस जानकारी वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।